कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। जी हाँ, यह चिट्ठी एक चोर ने लिखी है एसडीएम साहब के लिए। असल में एक चोर एसडीएम के सरकारी आवास में चोरी करने के नियत से घुसा। चोर ने ताला तोड़ा और जब घर के अंदर पहुंचा तो वहां उसे चुराने लायक कुछ खास सामान नहीं मिला। तो उसने निराश होकर एक चिट्ठी लिखी और उसने लिखा कि जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। खातेगांव एसडीएम त्रिलोचन सिंह गौड़ के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में पिछले दिनों चोरी की वारदात हो गई। शनिवार शाम को जब वे देवास स्थित सरकारी आवास पर आए तो उन्होंने ताला टूटा देखा। घर से ज्यादा कुछ सामान तो चोरी नहीं हुआ, लेकिन एसडीएम के नाम लिखी एक चिट्ठी जरूर मिली जो चोर की हताशा को उजागर करती है। इस चिट्ठी में चोर ने लिखा कि जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 15 दिनों पहले डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन सिंह गौड़ को खातेगांव का एसडीएम नियुक्त किया गया था। डिप्टी कलेक्टर का सरकारी आवास सांसद निवास के बिल्कुल पास है। पिछले 15 दिनों से आवास में ताला लगा हुआ था, इसी दौरान उसमें चोरी की वारदात हो गई। शनिवार को जब एसडीएम आवास में लौटे तो उन्होंने ताला टूटा देखा। पुलिस को सूचना दी गई, इसी दौरान कुर्सी पर उन्हीं की डायरी और पेन का उपयोग कर लिखा गया एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था कलेक्टर। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिलोचन गौड़ हैं जो वर्तमान में एसडीएम खातेगांव हैं। उनके शासकीय आवास जो सिविल लाइन में स्थित है सूना था 15-20 दिन से। उसमें किसी ने नकूचा तोड़ के अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी की वारदात की गई है, जिसमें 30,000 नगद और कुछ चांदी और अंगूठी वगैरह ऐसा गया है। और यहाँ चोर एक नोट भी छोड़ के गया है। प्रकरणबंदी व्यक्त पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। घटना का एक्चुअल टाइम तो उनको भी नहीं मालूम है, जो भी है मुखबिर वगैरह लगाए गए हैं। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9131 25 97 36।